हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी हेल्प। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 16, दैट इज प्रोबेबिलिटी। लेट अस रीड द क्वेश्चन। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टू सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। 100 बच्चे हैं क्लास में और उसमें से हमें दो सेक्शन बनाने हैं, एक 40 स्टूडेंट्स का और एक 60 स्टूडेंट्स का। अब उन 100 बच्चों में इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, उन 100 में तुम और तुम्हारा मित्र भी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, कि तुम दोनों एक ही सेक्शन में होगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले हम ए पार्ट लेते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ यू एंड योर फ्रेंड आर इन सेम सेक्शन। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब या तो वो सेक्शन ए में जाएंगे, इसको मैं 40 स्टूडेंट्स वाले को सेक्शन ए मान लेता हूँ और 60 वाले को सेक्शन बी मान लेता हूँ, कि दोनों फ्रेंड्स एक ही सेक्शन में जाएंगे। या तो ये हो सकता है कि बोथ आर इन सेक्शन ए, ये तो हो सकता है कि दोनों सेक्शन ए में हों, या हो सकता है बोथ आर इन सेक्शन बी, सेक्शन बी में हों। अब देखो अगर ए में होंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, 100 स्टूडेंट्स में से अब ए सेक्शन में टोटल 40 स्टूडेंट चाहिए, तो टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया 100 स्टूडेंट में से कितने तरीके से हम 40 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में हम ये कह रहे हैं कि जो दो बच्चे हैं, तुम और तुम्हारा मित्र, वो एक सेक्शन में होगा ए वाले में। अगर ए वाले में ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं कि वो ए में है, तो ये जो 40 बच्चों का सेक्शन बनाना है उसमें अब 40 नहीं चाहिए, ठीक है। 100 में से दो बच्चों का ऑलरेडी ये डिसाइड हो गया है कि वो सेक्शन ए में है, तो 100 में से बचते हैं 98। अब 98 में से आपको 40 नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए 98 में से केवल 38 स्टूडेंट्स। तो ये हुआ कि दोनों मित्र आपका, आप और आपके मित्र सेक्शन ए में होंगे। अब इसी हिसाब से अगर वो सेक्शन बी में है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो होगा कि 100 में से आप कितने तरीके से 60 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दो ऑलरेडी सेक्शन बी में हैं, तो फेवरेबल आउटकम ये है कि दो हम मान के चलते हैं कि सेक्शन बी में हैं, तो बच गए कितने, 100 में से 98। अब 98 में से आपको 60 नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए 58, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 58 आएगा यहाँ पर। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, NCR का। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो 98 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 38 फैक्टोरियल अपॉन 98 माइनस 38 फैक्टोरियल, और नीचे नीचे आएगा 100 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल और 100 माइनस 40 फैक्टोरियल प्लस। अब इस वाले का भी कर लेते हैं, इसका आएगा 98 फैक्टोरियल अपॉन 58 फैक्टोरियल अपॉन 98 माइनस 58 फैक्टोरियल, और डिवाइड में आएगा 100 फैक्टोरियल अपॉन 60 फैक्टोरियल और 100 माइनस 60 फैक्टोरियल। अब देखो उसको ध्यान से सॉल्व करिएगा, 98 फैक्टोरियल ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे 38 फैक्टोरियल है, और 98 माइनस 38 हम करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 60 फैक्टोरियल, और डिवाइड में आपके पास है 100 फैक्टोरियल डिवाइड 40 फैक्टोरियल
और 100 माइनस 40 ये भी 60 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 60 से 60 कैंसिल हो रहा है, अब यहाँ पर आ जाएगा 98 फैक्टोरियल डिवाइड में 58 फैक्टोरियल, और 98 माइनस 58 करोगे तो आएगा 40 फैक्टोरियल, ठीक है 40 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब नीचे देखिएगा 100 फैक्टोरियल डिवाइड 60 फैक्टोरियल, और 100 माइनस 60 हो जाएगा 40 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये 40 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये जो डिवाइड में है इसको हम रेसिप्रोकल करके इनटू कर देते हैं, तो ये आपका हो गया है 98 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 38 फैक्टोरियल इनटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 40 बाय 100 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे हम राइट साइड में करेंगे 98 बाय 58 फैक्टोरियल इनटू 60 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में आएगा 100 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 98 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 100 है, तो 100 को हम लिखेंगे 100 इनटू 99 इनटू 98 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 40 है, 40 फैक्टोरियल को हम लिख लेंगे 40 इनटू 39 इनटू 38 फैक्टोरियल, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसी हिसाब से हम राइट साइड में भी करेंगे, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 98 फैक्टोरियल इनटू 40 इनटू 39 इनटू 38 फैक्टोरियल, और डिवाइड में आएगा 38 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल को भी लिख लेंगे 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। अब देखो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ऐसे ही अब राइट में कर लेते हैं। तो 98 फैक्टोरियल इंटू 60 को लिखेंगे 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल, और डिवाइड में आएगा 58 फैक्टोरियल एज इट इज़, 100 को ब्रेक करेंगे 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। अब ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बचा आपके पास, 3 से कर लो, 3 बन जा 3, 3 जा 9, 3 जा 9, यहाँ पर कर लो 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 जा 9, 3 जा 9। अब देखो आपके पास ये बचा यहाँ पर 13 इंटू 4, ठीक है, तो यहाँ बचा 13 इंटू 4 यानी 52, और नीचे बचा है 33 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 330 प्लस, यहाँ देखो 59 इंटू 2, तो 59 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 118, और डिवाइड में बचेगा 33 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 330, और इसको 118 को अगर आप 52 से ऐड करेंगे तो आएगा 170, नीचे 330, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 17/33। तो ये आंसर किस चीज़ का आया है कि तुम और तुम्हारा मित्र दोनों एक ही सेक्शन में होंगे। अब सेकंड पार्ट इसी का अपोजिट पूछा गया है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि यू बोथ एंटर इन द डिफरेंट सेक्शन, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, उसका अपोजिट पूछा है। तो इसके लिए इतनी सारी कैलकुलेशन अब करने की ज़रूरत नहीं है, हम कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, बट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि भाई आप और आपका फ्रेंड दोनों एक ही सेक्शन में होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी 17/33 है, तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी पार्ट में सीधा है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बोथ यू एंड योर फ्रेंड एंटर इन डिफरेंट सेक्शन, तुम और तुम्हारा में डिफरेंट सेक्शन में एंटर करेंगे। अब ये आएगा वन में से हम माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी कि बोथ आर इन सेम सेक्शन, सेम सेक्शन में आने की जो प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाली है वो माइनस करेंगे बस। तो 17/33 सॉरी, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो आएगा 33 माइनस 17/33 यानी इसका आंसर आ जाएगा 16/33। तो इसको पूरा कैलकुलेशन से भी कर सकते थे बट उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा सेकंड पार्ट का। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लिकेशन इसके जो कैलकुलेशंस वगैरह थे इसको ध्यान से देखिएगा,
खुद से प्रैक्टिस करिए घर पे, आई होप आप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।